हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शैनन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई आज का जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत खास है, मैं जानता हूँ, एंड द लाइटिंग कंडीशंस आर प्रीटी गुड। तो मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ, देखो ज्योति, तो उसके इयर्स में यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द लाइट, द दिन की लाइट विच ही यूजेज फॉर हिज वीडियो पर्पज एंड हिज कैमरा, तो बिग थम्स अप फॉर हिम। तो जो भी है, तो आज का टॉपिक ये है, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा What is this video all about? तो आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, तो एक यूट्यूबर का एकदम बर्थ राइट होता है अनबॉक्सिंग करना। सो हियर इज इट, आई विल अनबॉक्सिंग दिस थिंग। अभी ये फ्लिपकार्ट के पैकेज में है, तो टुडे वी अनबॉक्सिंग दिस द रियल मी 3 प्रो। तो जैसे आप कुछ वीडियो से देख रहे हो कि वीडियो क्वालिटी बहुत डिटोरिएट कर गया है, एज बिकॉज मेरा फोन खराब हो गया है, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, बाद में दिखाऊंगा मेरा फोन। तो मेरा फोन पूरा क्रैक कर गया है, इसका डिस्प्ले पूरा मतलब कोई काम का नहीं रहा, जस्ट मैं यूज कर रहा था इस फोन का डिलीवर होने तक। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करें रियलमी 3 प्रो। तो इस प्राइस रेंज में व्हाई आई पिक दिस फोन अप, तो इस प्राइस रेंज में मुझे मिल रहा था द फेमस नोट 7 प्रो। तो बहुत क्रेज है नोट 7 प्रो का अभी मार्केट पर, बट आई पिक दिस फोन अप। तो इसका जो रीजन है, आई बी टेलिंग यू गाइज व्हाई आई पिक्ड इट, व्हाट आई थॉट अबाउट दिस फोन, व्हाट आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस ऑन दिस फोन। तो कुछ डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ टेक यूट्यूबर, मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है फोन या फिर उसके बारे में, तो इसलिए आई बी गिविंग माय ओपिनियन ऑन दैट, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय ओपिनियन ऑन द रियल मी 3 प्रो। तो यही है, तो सीधा अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई फिलहाल अभी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो ये रहा फ्लिपकार्ट का बॉक्स जो पैकेजिंग किया गया है, अच्छा पैकेजिंग, नथिंग टू टेल अबाउट फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट हमेशा अच्छे ही पैकेजिंग करता है, जो जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है अभी तक, तो उसका पैकेजिंग ठीक ठाक ही था। और ये रहा मेरा डिटेल जो आप लोग अभी देख नहीं सकते, और तो ये अनबॉक्सिंग करेंगे आज, हम एक बहुत स्पेशल यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द 220 के चाबी से अनबॉक्सिंग करेंगे। ये रहा बॉक्स, तो बबल रैप किया गया है इसके ऊपर। तो भाई ये रहा पैकेजिंग, बबल रैप किया गया है, तो अभी इसको खोलेंगे। तो सिग्नेचर जो रियलमी का कलर है ग्रे, दिस इज द बिल, तो इसको बगल में रखते हैं। सिग्नेचर जो रियलमी का कलर है बॉक्स, एकदम सिंपल बॉक्स है, रियलमी 3 प्रो रियलमी 3 प्रो, एंड इधर पे जो वेरिएंट वो सब लिखा गया है, तो इसको भी खोलेंगे अभी वही 220 का चाबी से। तो इसको भी काटेंगे सील को, तो ये प्लास्टिक को हटाएंगे। तो प्लास्टिक को हटाने के बाद अभी सील भी ओपन करना पड़ेगा इसका, तो इसको काटेंगे नहीं, इसको जस्ट ऐसे उतार देंगे, क्योंकि अभी नाइफ नहीं है हम लोगों के पास। तो सील ब्रेक हो गया है, अभी बॉक्स को खोलेंगे। तो एकदम ऊपर जो है एक बॉक्स दिया गया है, वेलकम टू रियलमी फैमिली। तो इसके भीतर जो दिया हुआ है कुछ यूज़र मैनुअल्स, और ये रहा केस विच इज़ ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी जैसे मैं देख सकता हूँ। इसके बाद है फ़ोन, मैंने लाइटिंग पर्पल कलर में लिया है, तो इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा बाद दिखाएंगे। तो इस पार्टीशन को हटाने के बाद ये एक बहुत ही अच्छा है, दिस इज़ द फर्स्ट इन क्लास, सो दिस इज़ द 15 वॉट फास्ट चार्जर, वूप चार्जर, तो जिसका आउटपुट है 15 वॉट्स। तो ये मैं जानता हूँ फास्ट चार्जर है, एंड द अदर थिंग विच इज़ अवेलेबल इन द बॉक्स इज द USB टू माइक्रो USB केबल, टाइप सी केबल नहीं दिया गया है इसमें, सो फास्ट चार्जर है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर द बॉक्स। तो अभी फ़ोन के ऊपर आते हैं, तो इस सब को साइड में रखते हैं फिलहाल। तो
और ये प्लास्टिक को हटाएंगे। दिस इज द फोन विच मैंने जो लिया है लाइटिंग पर्पल कलर में, एंड दिस इज अ पॉलिएस्टर बैग, दिस इज नॉट अ ग्लास बैग, बट ये पॉलिएस्टर बैग होने के कारण दिस इज अ फिंगर मैग्नेट, तो आप हाथ लगाओगे फिंगरप्रिंट लग जाएगा। तो फिलहाल इसको ऑन करते हैं, और एक बात, इसमें स्क्रैच गार्ड दिया हुआ है एक, तो आपको एकदम इनिशियली स्क्रैच गार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, बट आपको लगाना पड़ेगा विद द टाइम। तो इसको पहले ऑन करते हैं, फर्स्ट बूट ऑफ दिस फोन, फोन हो गया है रियलमी पावर्ड बाय एंड्रॉइड। तो पहले इसका सेटिंग करते हैं, एकदम जो इनिशियल सेटिंग्स है। तो नेक्स्ट, वाईफाई स्किप करेंगे फिलहाल के लिए, यूजर कंटिन्यू। तो दिस इज द मेन होम स्क्रीन, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये कलर ओएस 6 में रन करता है, एंड इसका जो स्क्रीन जो डिस्प्ले है विच इज़ ऑफ अ गुड क्वालिटी, आई कैन सी यू दैट। ये है ऐप ड्रायर, और ये है ऐप ड्रायर जो है, अभी फ़ोन पूरी तरह से सेट नहीं किया गया है, जस्ट मैंने इनिशियल स्टार्ट कर दिया है फ़ोन। तो अभी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाकर अभी फ़ोन का जो सेटिंग्स है वो अबाउट फ़ोन में जाकर देखने पड़ेगा। रियलमी 3 प्रो द एंड्रॉयड वर्जन इज लेटेस्ट 9 क्वालकॉम 17 प्रोसेसर ऑक्टोकोर, मैंने लिया है 4GB रैम 64GB वेरियंट, तो विच कॉस्ट में अराउंड 13,999। तो यही है फ़ोन के बारे में, और जो है मैं इनिशियल डेज में बताऊँगा। ये रहा कैमरा, तो मैं कुछ कैमरा सैम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड दिस इज द वीडियो मोड, और जो फ्रंट कैमरा है विच इज दिस, तो ये वीडियो मोड, ये फोटो मोड, ये पोर्ट्रेट जो भी है, तो मैं कुछ कैमरा सैम्पल्स आप लोगों को शेयर करूंगा इसके साथ। अभी देखते हैं फिजिकल ओवरव्यू फोन के बारे में। तो इस साइड में दिया गया है ओनली द पावर बटन, जो पावर लॉक और अनलॉक करता है, ऊपर में कुछ नहीं है। ये रहा आपका जो सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन। अभी जो राइट लेफ्ट साइड है इसके है, इसमें है द सिम ट्रे। तो सिम ट्रे में देखते हैं इसमें क्या 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 है सिम ट्रे में। तो ये रहा सिम इजेक्टर टूल, तो सिम ट्रे अभी खोलेंगे। तो सिम ट्रे खोलने के बाद आप लोगों को दिखेगा कि इसमें, हाँ, इसमें माइक्रो यूएसबी लगाने का है जगह, माइक्रो एसडी कार्ड और दो सिम। तो दिस इज़ नॉट अ हाइब्रिड फोन विच इज़ अ ग्रेट थम्स अप। तो बैटरी वॉल्यूम रॉकर इधर पे है, नीचे में है द 3.5mm जैक, द चार्जिंग पोर्ट, द स्पीकर ग्रिल, और पीछे में है द डुअल कैमरा सेटअप, द प्राइमरी कैमरा ऑफ 16 megapixel एंड द सेकेंडरी कैमरा इज ऑफ 5 megapixel, LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर, और रियलमी का जो ब्रांडिंग है। तो इसको हटा देंगे अभी। तो यही है, ये जो कलर है दिस इज अ ग्रेडियंट कलर, जो एस, जो आप ठीक से लाइट पड़ेगा तो आपको एक एस ग्रेडियंट दिखाई देगा। बट मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, दिस इज अ फिंगर मैग्नेट। अभी मैंने खोला, अभी भी आप लोग देख सकते हो कि फिंगरप्रिंट मतलब लग चुका है फ़ोन में। बट वन थिंग आई वांट टू से कि इसका जो स्क्रीन है बहुत ही कलर रिप्रोडक्टिव है IPS डिस्प्ले के हिसाब से। AMOLED से आप कंपेयर नहीं कर सकते, AMOLED इज़ वे बेटर देन दिस, बट इसका जो स्क्रीन है अच्छा है। एंड दिस इज रन ऑन कलर ओएस 9। तो यही है फ़ोन के बारे में, तो देखते हैं। सो भाई अनबॉक्सिंग हो गया, अभी क्वेश्चन लाइज कि मैंने रियल मी 3 प्रो
क्यों लिया ओवर द नोट 7 प्रो। द फर्स्ट रीजन इज दैट कि फोन बहुत हीट हो रहा है। ये जो भी फोन लिया है सब लोगों का कंप्लेन है कि फोन बहुत ओवर हीट हो रहा है नोट 7 प्रो। तो ये की रीजन है व्हाई आई डिडंट गो फॉर द नोट 7 प्रो। द सेकंड रीजन इज दैट कि सामने और पीछे उसका गुल्ला ग्लास 5 दिया हुआ है। सो दैट इज अ गुड थिंग। द फोन फील्स प्रीमियम एंड ऑल, बट इन माय केस फोन मेरे हाथ से बहुत गिरता है, टेक्निकली बहुत गिरता है मेरे हाथ से फोन। सो एक बैक का जो क्रैक होने का चांसेस रहता है। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गो फॉर द नोट 7 प्रो। थर्ड, इसका जो कैमरा सेंसर है ये और वन प्लस 60 का जो सेंसर है वो सेम है। सोनी IMX आई फॉरगॉट द नेम, मैं इधर पर लिख दूंगा सेंसर का, सोनी IMX कौन सा वर्जन है 5 समथिंग, तो वो सेंसर यूज किया गया है इसमें। सो द कैमरा परफॉर्मेंस विल बी गुड एंड द स्लो मोशन है इसमें 960 FPS तक, उसको भी टेस्ट करेंगे तो देखेंगे व्हाट इज दिस 960 FPS। तो ये है, और फ्यूचर में भी इस फोन के बारे में मैं बहुत सारा वीडियोस बनाऊंगा और वीडियोस आने वाला है। तो इफ यू आर न्यू आउट हियर इन दिस चैनल तो जाके सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लो। आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियोस माय कंटेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही था, इट्स जस्ट द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑन दिस फोन। तो यही था, तो विद दैट सेड आई एम एंडिंग दिस वीडियो आउट हियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव थम्स अप, कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट टू सी इन द नियर फ्यूचर, क्लिक इट टू वॉच माय लास्ट वीडियो एंड क्लिक इट टू सब्सक्राइब। एंड भाई हमेशा याद रखना, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। सो टिल देन पीस।